मतलब कलर का आ रहा है, और आपने ये जगह मिस कर दिया। यू मिस एवरीथिंग। बहुत आला जगह है, बहुत मजे का पानी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम जा रहे हैं कलर कार। जब मैं पाकिस्तान आया था तब सोचा था कि यार कलर कार भी देखने, कभी नहीं देखा, घर से कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं, 2 घंटे की ड्राइव। तो आज मिला टाइम, वैसे 2 दिन मेरे बाकी हैं घर वापस जाने के लिए नीदरलैंड्स, तो सोचा कि आज थोड़ा टाइम है तो निकल आते हैं। मौसम तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन गुजारा हो जाएगा, अगर इससे तेज़ बारिश या हवा ना आई तो फिर उम्मीद है कि अच्छा टूर रहेगा। ये हमारे फ्यूचर व्लॉगर हैं, ये बार बार कह रहे हैं मैंने व्लॉग, मैंने व्लॉग होना। भाई आ जाओ, अब कहाँ भाग रहे हो? ट्राई करेंगे ना हम। बताओ क्या करने लगे हो? अब फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाश्ता करने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सुबह के चले हुए, भूख लगी हुई है। अच्छा, बहुत हालात खराब है भूख की वजह। अच्छा, तो अब करते हैं, फिर नेक्स्ट फिर बताते हैं आपको। अभी हम करने गए नाश्ता ट्रक होटल से। बाकी सब तो चिल चल रहा है, लेकिन जो गूगल की सर्विस ना यहाँ, उसने रोल दिया हमें, किसी गांव में घुसा दिया, जाना आगे जाने का रास्ता ना वापसी का। बहुत हाइट के ऊपर आए हम, यहाँ से आगे से बता रहे हैं कि रास्ता बंद है, जो हम जिस लेक पे हमने जाना है उसका रास्ता कोई और है। जो मैं लगता साइकिल वाले रास्ते में गूगल ने डाल दिया, तो वापस जा रहे हैं, देखते हैं अगर लेक मिलती है। खतरनाक किस लिहाज से? पहाड़ी है ना सारी। अच्छा, स्लिप होगी गाड़ी? स्लिपिंग भी है, पहाड़ी भी है, बारिश भी ऊपर से हो रही है, तो अलग अलग। वे बाबू लगे बनिया के छोरी छोर लो रो आए भी लगे जीप को कर... पता नहीं हैगा, हम देखते हैं अगर जीप के जरिए जाना हुआ तो हम देख लेते हैं, वरना आपकी बात ठीक है। आपको वहीं खड़ी करनी पड़ेगी ना ऊपर ही। हाँ जी, तो आगे से आपको जीप भी लेके जाएगी, तो वही यहीं से जीप देख ले अगर मिलती है तो फिर ठीक है। वहीं से आप नीचे उतरेंगे ना, उधर से सीधा आप जाएंगे, वहाँ किसी से पूछ लेगा स्वेग लेके जाना है, वो सीधा आपको स्कूल के पास खड़ा करेंगे, वहाँ से जीप में लेके जाएंगे। चलें देख लेते हैं, शुक्रिया बहुत। मशवरा दे रहे हैं कि इस रोड से जाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास जीप होती तो आप, अगर आपने अपने टायरों का रिस्क लेना है तो इधर से जा सकते हैं। यहाँ से हम आए हैं, काफ़ी ढलवान वाली जगह है और बारिश भी तेज़ होती जा रही है, अल्लाह ना करे कहीं पानी खड़ा हो गया रास्ते में, हमारी गाड़ी तो ऊपर जाने वाली नहीं है, लेकिन हम इतनी दूर आए हैं तो झील तक तो जाएंगे। बस इतनी बड़ी झील नहीं है, जितनी बड़ी झील हमने बनाई हुई थी। मैं तो वैसे भी एडवेंचर को पसंद करता हूँ, हम एडवेंचरिस्टिक ट्रैवलर, तो थोड़ा एडवेंचर ना हो ट्रैवल का मजा नहीं आता, तो इसलिए ये तो चलेगा, चिल है। नहीं मिली तो इसके लिए इतनी हाइक की है, टॉप पे आ गए हैं, तो यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है। पैसे पूरे हो गए हैं, अब आगे झील ना भी मिले कोई दुख नहीं है, यहाँ से वापस जा सकते हैं, लेकिन पीछे जो सीनरी है कमाल है।
रास्ता है? 15 मिनट लगेगा। यार 15 मिनट लगेंगे इसी तरह उतराई सारी? हाँ सारी। चलें शुक्रिया। मेरे ड्रोन के गिम्बल का लॉक कहीं पे गिर गया और बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर गिम्बल डैमेज हो सकता है, वापस जाके देखना पड़ना है। वैसे हम काफ़ी गहरी खाई में जा रहे हैं, पता नहीं वो इतनी अच्छी लेक है भी नहीं जितनी हम एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम नीचे जाएंगे तो पता चलेगा। पता हमें तब चलना है जब हमने यहाँ से वापस ऊपर आना है, बट लेट्स सी, अब इतनी दूर आए हैं ये तो करके ही जाएंगे। कोयले की कॉल, कमाल कर देते हैं। ये मेरे पीछे कोयले की कान, अंदर नहीं जा सकते भैया, आगे जाए मामला कुछ हो रही हो, यहीं से वापस। कोयले की कान में बताती है कि हम मंजिल के करीब हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जिसने हमें रास्ता बताया था उसने ये बताया कि कोयले की कान से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको लेक मिल जाएंगे। तनूष हो गया ना ऐसे ये काम, तो तेरा बचना साढ़े बचना ना ज्यादा जरूरी है। फाइनली वाटरफॉल की आवाज़ आना शुरू हो गई है, लगता है करीब ही है, 2 मिनट हैं। और ये भाई वहाँ से नहा के भी आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि पानी अच्छा है, कि हम अपने कपड़े गाड़ी में भूल के आ चुके हैं, अभी हमें यहाँ पे पड़ेगा। अब हम हिसाब शाह उस हम अब कमाल कर देते हैं, हम अब इस आबशार के बहुत करीब हैं और हमें वाटरफॉल की आवाज आ रही है। ओए पी रहे हैं? जिन्नी प्यास लगी है ना, पीने वाला पानी है भाई, पीने वाला है? वैसे डड्डू है। अच्छा ना करो यार, बंबू किधर? ओ या आला। अभी हमें बताया गया है जिस जगह हम खड़े हैं एक्चुअल में झील नहीं है, एक्चुअल में झील आ गया है, आगे जाके देखते हैं। कलर कार आते हैं और आपने ये जगह मिस कर दी है, यू मिस एवरीथिंग। बहुत आला जगह है, बहुत मज़े का पानी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। कैमरे तो सारा कुछ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सारा कुछ क्या आप इसका 10% भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ पे ब्यूटी है, ओ माई गॉड, इतनी प्यारी जगह मैंने आज तक नहीं देखी। 20 मुल्कों में घूमा हूँ, इतनी प्यारी लेक जिंदगी में नहीं देखी। बहुत आला कलर कार से कोई मेरे ख्याल 10-15 किलोमीटर दूर है, आने में घंटा लग जाता है, लेकिन कमाल है। अभी 3 जगह ऐसी और हैं।
सेफ है जहाँ पे था जो पार्किंग वाला है, लेकिन शायद ऊपर कहीं पहाड़ पे था, हमारी जब गाड़ी उसने देख किया तो इधर आ गया था, गाड़ी सेफ एंड साउंड। हम नीचे थोड़ा टेंशन में थे कि वापस जाएंगे उतनी गाड़ी मिलनी है भी नहीं, क्योंकि हम थोड़ी ओपन एरिया में खड़े करके तो चले गए थे, कोई बंदा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ ठीक ठाक खड़ी है। लेकिन जब ऐसा ग्राउंड में देखता ना, फिर आपके भाई को ना कुछ कुछ होने लग जाता है।